नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव तो हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया है और एनडीए की सरकार भी बन गई है। एनडीए इट मीन्स कि कई सारे पार्टियों के मेल मिलाप से सरकार बनी है और सरकार जो है वेंटिलेटर पर है। जी हाँ, वेंटिलेटर कहने का मतलब ये मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जो है अपनी सरकार नहीं बना पाई है। उनको दो महत्वपूर्ण पार्टियों का समर्थन मिला है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश जो सीएम है आंध्र प्रदेश के, आई थिंक हाँ, उनकी टीडीपी जो पार्टी है, और दूसरी पार्टी बिहार की है, नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। 16 सांसद जो हैं टीडीपी के हैं और 13 सांसद जो हैं वो नीतीश कुमार के, यानी कि मतलब 29 सांसद जो मेन अहम भूमिका में हैं उनकी वजह से जो है वहाँ पर एनडीए की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन सवाल आए दिन ये भी उठता है कि अगर इन दोनों लोगों ने अपना हाथ खींच लिया तो धड़ाम से एनडीए की सरकार गिर जाएगी, यानी कि मोदी सरकार गिर जाएगी और मोदी जी हैं जो हैं वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसको लेकर लगातार जो है वो विपक्ष दावा करता है, लगातार विपक्ष बोलता भी है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग सरकार गिरा देंगे। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हैं, लालू प्रसाद यादव किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस पर खुलेआम तौर पर कहा था कि अगस्त में, जी हां अगस्त के महीने में ये सरकार गिर जाएगी, जिसको लेकर काफ़ी पॉलिटिकल ड्रामा भी हुआ था। चिराग पासवान से लेकर नित्यानंद राय तक लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधे। तो वहीं अब जो खबर चौंकाने वाली आ रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है, बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं सनातन पांडे, उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार पर बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार गिर सकती है। वाराणसी पहुंचे पांडे ने पत्रकारों से कहा कि सरकार आज भी गिर सकती है, अगस्त में भी गिर सकती है।